जिस गोली से तू मरेगा ना, बड़े अक्षर में लिखा होगा मेड इन इंडिया। सूर्यवंशी, हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मेटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, हम दो हमारे दो, लेकिन डायलॉग सूर्यवंशी को क्यों चिपकाया मैंने? तो दोस्तों बोले तो सूर्यवंशी, जी हाँ दोस्तों, सूर्यवंशी मैटर करता है यार। मतलब कि हम दो हमारे दो मूवी की अनाउंसमेंट हुई है दोस्तों, लेकिन दोस्तों थिएटर्स में नहीं। सबको पता है कि 22 अक्टूबर से ना मूवी थिएटर में लगना स्टार्ट हो जाएगी और पूरी ऑल इंडिया थिएटर्स ओपन हो जाएगी। ऑल इंडिया तो है ही है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ ऑल इंडिया थिएटर्स ओपन और लगातार फिल्मों की लाइन शुरू होने वाली। लेकिन हम दो हमारे दो, दिनेश विजन बोले तो मैक डॉग, ये कंपनी जो मूवी होती है ना, इनकी जो कंटेंट होती है ना धमाकेदार होती है, और इनकी जो कॉन्सेप्ट होती है मूवी का सुपर्ब होती है दोस्तों। ऑडियंस कितनी पसंद आती है ना कि फैमिली ना अपने पूरी फैमिली को उठा उठा के लोग थिएटर में मूवी देखने आते हैं। जैसे रूही मूवी आई थी, ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी यार। तो दोस्तों बोले तो सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है, लेकिन दोस्तों हम तो हमारे दो OTT प्लेटफॉर्म पर बोले तो GF5, जी हाँ दोस्तों, सॉरी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी रिलीज होगी। अभी फिलहाल जस्ट ही अनाउंसमेंट हो चुकी है दोस्तों, राजकुमार राव, कीर्ति सेनन एंड प्रेस रावल की मूवी। जी हाँ दोस्तों, उनको पता है कि सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है, और हमारी मूवी अगर दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्यवंशी बराबर से पेल देगी। इसके वजह से वो मूवी को ना डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म बोले तो हॉटस्टार पर रिलीज कर रहे हैं। रियल बता रहा हूँ, डर है, ये डर ही है, सूर्यवंशी का खौफ बोल सकते हैं, क्योंकि सबको पता है यार सूर्यवंशी के आगे ना कोई मूवी टिकने वाली है ही नहीं बॉक्स ऑफिस पर। सूर्यवंशी चलने वाली है दिवाली के मौके पर, तो उसको पता है कि भाई हम दो हमारे दो, वो सिर्फ हम एक हमारे एक ही हो जाएगा थिएटर में चिपकने के बाद। तो सोचा बंदा ने कि क्यों ना इस मूवी को हम बोले तो अपना डील कर लेते हैं हॉटस्टार पे और छाप लेते हैं दोस्तों। तो जाहिर सी बात है यार, राजकुमार की बोले तो एक नंबर एक्टर यार, ऐसी बात नहीं। अगर थिएटर में मूवी रिलीज करते ना तो ऐसी बात नहीं है कि उनकी मूवी नहीं चलती, चलती है। कंटेंट अच्छी होती तो 100% चलती, लेकिन वो खौफ बोलते ना, डर, ये डर अच्छा लगा। तो बस भाई, इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।